को यूक्रेन से बीते कुछ समय से कड़ी टक्कर मिल रही है। रूसी सेना को बीते 3 दिनों से यूक्रेनी सैनिकों से ज्यादा ही कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिक रूस के भीतर घुस रहे हैं। बीते 6 अगस्त को लगभग 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सीमा में घुसपैठ की। अब रूस के सुज्जा शहर से भयंकर लड़ाई की खबर आ रही है। ये शहर रूस के लिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से रूस प्राकृतिक गैस की सप्लाई करता है। हालांकि इससे यूक्रेन को भी गैस सप्लाई होती है, इसलिए इसे बर्बाद किए जाने की आशंका कम है। लेकिन अगर यूक्रेन ऐसा कुछ करता है तो इससे यूरोप में ट्रांजिट फ्लो अचानक बंद हो जाएगा। रूसी अधिकारियों, यूक्रेनी सैनिकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने मंगलवार को कुर्स्क क्षेत्र में बख्तरबंद वाहनों और ड्रोन के साथ सैकड़ों सैनिकों को भेजा। यूक्रेनी सैनिकों के रूस में घुसने और सुज्जा शहर को घेरने और उसके गांवों पर कब्जा करने से रूस की टेंशन बढ़ गई है। पहली बात तो यूक्रेनी सैनिकों का रूस में घुसना ही उसके लिए सबसे बड़ा झटका है। दूसरा, उसे प्राकृतिक गैस सप्लाई और सुज्जा से 70 किलोमीटर दूर स्थित एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बर्बाद किए जाने का डर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को यूक्रेन सरकार का उकसाने वाला कदम बताया है और यूक्रेनी सैनिकों पर आरोप लगाया कि वो रिहायशी इलाकों और नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। एक सैन्य विशेषज्ञ का कहना है कि यूक्रेनी सेना की घुसपैठ रूसी सेना का ध्यान भटकाने की एक चाल है, लेकिन कुछ यूक्रेनी सैनिक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि रूस में सैनिक भेजे जाने से यूक्रेन में सैनिकों की कमी हो गई है। इधर यूक्रेनी सेना के घुसपैठ से हैरान रूस अपनी कमजोर बॉर्डर सिक्योरिटी की जांच में जुटा है। यूक्रेनी सैनिकों ने सुजदा के 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है और 10 अन्य गांवों के पास भी देखे गए। रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार चल रहे संघर्ष में कम से कम 3 नागरिक मारे गए हैं और 24 घायल हुए हैं, जिनमें 6 बच्चे भी हैं। एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने कहा, यूक्रेन सेना ने इतनी मजबूती से घुसपैठ की है कि उन्हें बाहर निकालना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सैनिक बक एयर डिफेंस सिस्टम लेकर घुसे हैं जो रूसी लड़ाकू जेट और ड्रोन हमलों को रोकते हैं।